हस्बैंड काम नहीं करता, इससे वाइफ बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। उसका फिर एक अफेयर हो जाता है। ये जब बात हस्बैंड को पता चलती है तो आगे क्या होता है, यह हमारी आज की मूवी हैप्पी एंड, जो 1998 की एक कोरियन थ्रिलर मूवी है। ये एक बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्ट की गई स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है चोई, किसी आदमी के पास आई हुई हम देख सकते हैं। ये उसके अपार्टमेंट में छुपकर जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जिसके साथ चोई है ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है बियोम। इंटीमेट होते वक्त बियोम उससे कहता है, मैं तुम्हें कभी भी भुला नहीं सकता। वो अकेला रहता है जो उसे पसंद नहीं है। इसके बाद हम चोई का हस्बैंड जिसका नाम है सीओ एक बुक स्टोर में देखते हैं। बुक स्टोर इससे कंप्लेन कर रहा था कि बुक स्टोर है, कोई लाइब्रेरी नहीं। हमेशा सीओ यहाँ आकर बुक पढ़ता है और वैसे ही चला जाता है, कभी कोई बुक बाय नहीं करता। वो जो बुक पढ़ रहा था उसे पसंद नहीं आई। ओनर से कहता है कि एक मिस्ट्री है, उसे रोमांस नॉवेल पसंद है। रोमांस में भी इस तरीके के नॉवेल जो आदमी को रुला कर छोड़े। ऐसे ही एक बुक पढ़ते पढ़ते सीओ अपने बेटे का टेक केयर में वेट करता है। जब वो अपनी बिल्डिंग में आया तो एक लेडी उसे पहचान लेती है, इसका नाम है यंग। यंग और सीओ एक दूसरे को पहले से जानते थे। यंग कहती है कि मैं अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। उसे अच्छा लगता है कि सीओ भी यही रहता है। यंग अपने बेटे से भी सीओ को मिलवाती है। सीओ को आज फुटबॉल का मैच देखना था इसलिए वो जल्दी से घर पर आ गया। अपने बेबी के लिए वो पाउडर मिल भी रेडी करता है। इस पाउडर में जरा सी एंड्स थी तो उसने पूरा डब्बा ही बदल दिया। ये बहुत ही क्रूशल सीन बन जाता है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि सीओ अपने बच्चे को कितना प्यार करता है। इसके पैरेलल में ही चोई और बियोम अभी अभी इंटीमेट हुए हैं। बियोम को फोटोग्राफी अच्छी लगती है तो चोई के बहुत सारे फोटोज उसके पास है। वो ये एल्बम देख रही थी तो उसमें उसका पुराना लेटर उसे मिला। वो बियोम से कहती है, तुमने इस लेटर को अब तक कंजर्व करके रखा। इससे हमें पता चलता है कि चोई और बियोम ये उसके शादी हो जाने से पहले एक दूसरे को जानते थे। ब्यूम कहता है कि मैंने अब तक मेरी एंगेजमेंट रिंग भी नहीं उतारी है, यानी कि ये दोनों एंगेज थे। ब्यूम फिर जॉय को घर छोड़ने के लिए आया, उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी भी देता है। कहता है तुम्हें जब भी मन करे तुम मेरे अपार्टमेंट में आ सकती हो। रात में जॉय बहुत ही लेट घर पर आई तो सीओ उससे बात करना चाहता था पर इसे वो इग्नोर कर देती है। सुबह वो बहाना बनाती है, इन्वेस्टमेंट को लेकर हमारी मीटिंग चल रही थी। रात में फिर उसने डिनर किया और वही कैरियोके करने लग गए। उसे टाइम का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। सीओ भी इस बात को ज्यादा बढ़ाता नहीं। आजकल सीओ का जॉब चला गया है तो अलग अलग कंपनीज में वो एप्लीकेशन देता रहता है। आज भी उसने जिस कंपनी में अप्लाई किया था यहाँ उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसके बाद वो फिर से बुक स्टोर में आया और अपने नॉवेल पढ़ने लग गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो शॉपिंग मॉल में थी वहां पर उसने बियोम को नोटिस किया, उसे वो इग्नोर कर वहां से चली जाती है। रात में चोई बेबी को लेकर घर पर आए, सीओ टीवी देख रहा था। सीओ से कहती है कि अगर तुम फ्री थे तो बेबी को जाकर तुम्हें लेकर आना चाहिए था। सीओ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। घर पर एक कॉल आता है जो सीओ पिकअप करता है पर आगे से कोई आंसर नहीं कर रहा। यहाँ पर चोई को लगता है कि उसे बियोम कॉल कर रहा था। टीवी पर एक हार्ट ब्रेकिंग शो चल रहा था तो सीओ इस पर बहुत रोता है। चोई को अकेले ही बेबी को संभालना पड़ रहा था तो इस पर वो चिढ़ गए। वो कहती है कि तुम बेबी का ध्यान क्यों नहीं रख सकते, उसे आज काम करना था। फिर से एक कॉल आया और ये कॉल सीओ के लिए यंग ने किया था। यंग भी यही टीवी शो देख रही थी, कहती है कि कितना हार्ट ब्रेकिंग है। सीओ उसे कहता है कि बात करने के लिए एक बैड टाइमिंग है। चोई सीओ को कहती है कि तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बाहर जाऊँ काम करूँ तो तुम्हें भी घर का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें तो नॉर्मल नॉर्मल चीजें कि वेजिटेबल कहाँ फ्रेश मिलती है ये भी पता नहीं होता। तुम अपने जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं करते, हमेशा बुक स्टोर में जाकर बुक्स पढ़ते रहते हो। इस पर सीओ बहुत गुस्सा हो गया। वो पार्किंग में आकर सब गुस्सा अपने गाड़ी के मैट्स पर निकाल देता है, इससे गाड़ी की साफ सफाई भी हो जाती है। यहाँ पर वो गाड़ी में एक रिसिप्ट नोटिस करता है, ये उसके लिए जरा अजीब है। एक दिन जॉय जब अपने ऑफिस में थी तो उसे मिलने के लिए ब्यूम आया। ये हैंग आउट कर रहे थे तभी सीओ भी वहां आ गया। जाओ फिर इन दोनों को एक दूसरे से मिलवा देती है। वो सीओ से कहती है कि ब्यून हमारा वेब डेवलपर है। सीओ को यहाँ कुछ अजीब लगता है। वो ब्यूम से कहता है कि हम तीनों लंच के लिए जा सकते हैं। ब्यूम ने अपॉइंटमेंट का बहाना बनाया और वहां से वो चला गया। सीओ चोई से कहता है आजकल तुम बहुत ही टायर्ड लगती हो, क्या तुम हमेशा अपने ऑफिस में फुटवेयर नहीं पहनती। इन क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है
सीओ को अब शक है कि जॉय का अफेयर चल रहा है। आज रात भी जॉय ने काम का बहाना बनाया और वो ब्यूम के पास आ गए। यहाँ जब वो आ रही थी तो उसे लगा कि ब्यूम के रूम में कोई लड़की है। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। जब ब्यूम की नेबर बाहर आई तो उसे पता चला कि वो नेबर थी जो अपने घर में जा रही थी। उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ये आज रात फिर से ब्यूम के साथ इंटीमेट हो जाती है। सीओ को शक तो है ही, तो चियो को लेकर वो जरा इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। आज रात जब जॉय ब्यूम के साथ थी तो उसने नोटिस किया कि ब्यूम ने उसके लिए एक्स्ट्रा टूथब्रश लाया हुआ है। इस चीज से वो गुस्सा हो जाती है। वो चाहती है कि ब्यूम और उसमें कोई भी कमिटमेंट ना रहे। इस बात को लेकर उसने ब्यूम को कन्फ्रंट किया। ब्यूम कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं करूँगा। ब्यूम कहता है कि ज़्यादा कुछ भी बड़ी बात नहीं है। जॉय कहती है कि मैं फिर से तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती। वो उसके साथ उसकी जो अरेंजमेंट है यही कंटिन्यू करना चाहती है, कुछ भी सीरियस नहीं चाहती। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ को फाइनली चाओ और ब्यूम के बारे में पता चल चुका है। वो फिर ब्यूम के अपार्टमेंट में पहुंच गया। यहाँ पर ब्यूम ने जॉय की जो भी सब फोटोज ली थी ये सब उसे दिखती है। रात में घर आने के बाद उसने जॉय से कुछ भी बात नहीं की। नेक्स्ट डे जब वो बुक स्टोर जाता है तो आज रोमांस नॉवेल नहीं पढ़ रहा, आज वो मिस्ट्री पढ़ रहा है। जॉय जब काम पर जाती है तो सीओ उसे देखता भी नहीं। इस पर वो नाराज हो गई थी। इस बार जब वो ब्यूम से मिलने के लिए आई तो वहां पर ब्यूम ने उसकी बेबी का केयर करने के लिए एक किट लाया हुआ है। जो इस पर बहुत ही नाराज हो गई। उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा तुम्हें कुछ भी करना नहीं है। ब्यूम को लगता है कि जॉय को अब उसके साथ रहना चाहिए। जॉय के बेबी का ख्याल रखने के लिए उसने वो किट लाया हुआ था। जॉय जब घर पर आए तब उसके पर्स में ब्यूम ने उसकी जो भी फोटोज ली थी इसका एक इन्वेलोप मिला। उसे लगा कि ब्यूम ने ही ये रखा होगा तो इसे उसने इग्नोर कर दिया। आज रात डिनर टेबल पर वो सीओ से बात करती है। कहती है आजकल मैं जैसे पहले हुआ करती थी वैसी नहीं रही, उसका सब चीज़ों पर ज़्यादा अटेंशन नहीं है, तो इससे वो सॉरी कहती है। कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब वो फिर से एक अच्छी मदर और वाइफ बनना चाहती है। सीओ कहता है सिर्फ हमारे बेबी का तुम अच्छे से ख्याल रखो, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। जॉय सीओ को कहती है कि तुम्हारे कोई रिलेटिव की डेथ हो चुकी है, वो रिलेटिव वेंटिलेटर पर था। ये बात सुनकर सीओ घर से बाहर चला गया। जॉय को कॉल आया और ये कॉल ब्यूम का था। ब्यूम इस पर बहुत ही नाराज था। कहता है हमारी रिलेशनशिप इस तरह से ब्रेकअप कर तुम कैसे जा सकती हो। ब्यूम ने ड्रंक होकर ये कॉल किया था, वो अभी के अभी जॉय से मिलना चाहता है। जॉय उसे मना करती है पर ब्यूम कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। जॉय डर गई। उसने कहा कि बिल्डिंग के बाहर एक कैफे है, यहीं पर हम मिलते हैं। अब वो अपनी बेबी को उसके साथ नहीं लेकर जा सकती थी तो उसका क्या किया जाए। अपनी नींद की गोली का छोटा सा डोसेज वो मिल्क में मिलाकर इस बेबी को पिला देती है। ब्यूम ने जॉय से कहा कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाता, ऐसे मुझे छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो। जॉय कहती है कि मैं एक मदर हूँ, एक वाइफ हूँ, ऐसे कैसे मैं सबको छोड़ सकती हूँ। ब्यूम कहता है कि जब तुम्हारी बेटी का बर्थ हुआ था तुमने हॉस्पिटल में कहा था कि हमारी बेटी बहुत ही ब्यूटीफुल है। जॉय कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जब थोड़ी देर में सीओ घर पर आया तो बेबी की बॉटल पर उसने एंड्स को नोटिस किया। जॉय ने बेबी की बॉटल में नीम की गोली मिलाई हुई थी, उसका ध्यान नहीं था तो खराब मिल्क पाउडर से ही उसने बेबी को दूध पिला दिया। सीओ जल्दी से भागता है और बेबी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। डॉक्टर सीओ से कहते हैं कि ज़्यादा कुछ वरी मत करो, ये बच्चों में नॉर्मल होता है, आपकी बेबी ठीक हो जाएगी। इसके बाद ब्यूम जॉय को घर छोड़ने के लिए आया। ये सब सीओ ने देखा और वो बिल्डिंग में ही छुप गया। सीओ फिर अगले दिन अपने रिलेटिव्स के फ्यूनरल पर जा रहा था। सीओ अपनी फ्रेंड यंग को उसे ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहता है। वो यंग के सामने ट्रेन में तो बैठा पर बाद में नीचे उतर गया। वो फिर डायरेक्टली ब्यूम के घर पर आता है। घर में वो ब्यूम के हेयर्स वगैरह ढूंढता है। यहाँ पर उसने एक चाकू भी चोरी कर लिया। जब जॉय घर पर आए तो उसे उसके न्यूड फोटोज उसके बेडरूम में मिलते हैं। वो बहुत ही डर गई और वो ब्यूम को कॉल लगा दिया। कहती है तुमने ऐसे फोटोज मेरे घर में क्यों रखे। ब्यूम कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अचानक से सीओ चाकू लेकर जॉय पर हमला कर देता है। बहुत ही वायलेंटली उसने उसे मार डाला। सीओ फिर ट्रेन से ट्रैवल करके आता है। इसका मतलब है उस पर कोई शक नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट डे सीओ की फ्रेंड यंग को देखने के लिए गई तो वहाँ चाओ की बॉडी देखती है। इसके बाद पुलिस सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चाओ को जिस मर्डर वेपन से मारा गया है ये सीओ ने ब्यूम के घर से चोरी किया था।
इसका मतलब है मर्डर वेपन पर ब्यूम के फिंगरप्रिंट्स हैं। चाओ के बॉडी पर सीओ ने ब्यूम के हेयर्स भी प्लांट किए थे, इसी वजह से ब्यूम इस मर्डर में फंस जाता है। इसके बाद ब्यूम को सजा होके और थोड़े दिन बाद सीओ फिर से घर में रहने लगता है। अपने घर का, अपनी बेबी का अच्छा सा ख्याल रखता है। वो बाथरूम में गया, चाओ के उसने फोटोज देखे तो बहुत रोता है। वो उसे फिर से याद नहीं करना चाहता तो उसकी सब पिक्चर्स वो जला देता है। वो चाओ से बहुत ही प्यार करता था तो उसे अनफेथफुल थी, उसे रहा नहीं गया। उसने फाइनली ब्यूम से रिवेंज भी ले लिया। इसी तरीके से एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग लव और रिवेंज की स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।